हम लोग डैनियल की पुस्तक में तीसरे अध्याय की 15, 16, 17, 18। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिर के मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टी में के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा सके। शद्रक, मेशक, अभिदनागो ने राजा से कहा, हे नबुकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देना का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आप उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है, लेकिन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत के सामने दंडवत करेंगे। अब मैं इस कहानी को पहले समझा दूं। ये डैनियल के तीन दोस्त हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये इनके वो नाम है जो इनको बेबीलोन में दिए गए। ये तीन डैनियल के साथ वो विद्वान लोग थे जिनके अंदर 10 गुना ज्यादा बुद्धि पाई गई थी, शास्त्रियों से और तांत्रिकों से और एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषों से इनके अंदर 10 गुना ज्यादा समझदारी थी। ये वो लोग थे जो इसराइल से आए थे बेबीलोन बंदी बन के। ये चारों और डैनियल ये राजघराने के लोग थे, दाऊद के वंशज थे, और ये जब यरूशलेम पे कब्जा हो गया तो इनको बंदी बना के ले आया गया। राजा ने बोला, ऐसे लोग तैयार करो जो राजभवन में मेरे सामने खड़े हो सके, ऐसे ऐसे बच्चे जिनमें बुद्धि हो, ऐसे जवान जिनमें बुद्धि हो, ज्ञान हो। ये चार लोग तैयार होते। जब राजा इनको टेस्ट करता है, इनके अंदर इन ज्योतिषों और तंत्रियों से 10 गुना ज्यादा प्रज्ञा समझदारी होती है। ये वहां आते और परमेश्वर जो इनको बंदी की तरह लाते हैं, इनको उठा के राजभवन में रख देते हैं। लेकिन जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, पूरे डैनियल की पुस्तक पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि अनकॉम्प्रोमाइज लाइफ कैसे होती है, कि बिना अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज किए बिना भी आदमी तरक्की कर सकता है, और उसकी वो तरक्की परमेश्वर की ओर से आती है। खासकर से लोग जो बिजनेस में हेर फेर करते हैं, जब वो प्रभु को जीवन देते हैं, उनके माइंड में एक बॉन्डेज होता है कि हम सही ढंग से करेंगे, सही ढंग से आगे नहीं बढ़ सकते। लोग एक ही तरीका मारू महावीर बनने का, इल्यूमिनाटी, कि यदि तो अपने प्राण को शैतान को बेच दे। नहीं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा है परमेश्वर उसको उठाते हैं। आमेन। राजा ने कितनी बड़ी बात बोली, कौन ऐसा परमेश्वर, कौन ऐसा देवता है जो उस आग से बचा सके। एक है जो बिना कॉम्प्रोमाइज के जीता है, जो लोग बिजनेस की बात कर रहा हूं, लोगों के माइंड में बिजनेस में हेर फेर नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। झूठ है ये। मैं सब बोलो ये झूठ है। मैं सब बोलो फेवर, किसको चाहिए फेवर? अगर फेवर चाहिए तो परमेश्वर के सामने एक अनकॉम्प्रोमाइज लाइफ होनी चाहिए। ये माइंड का जो बॉन्डेज है कि हम अच्छे ढंग से सही ढंग से काम नहीं हो सकते, माइंड का बॉन्डेज है कि हम अगर सही करेंगे। कई लोग है झूठ की आदत थी, लेकिन उनको लगता है बोल लोग बोलते बिजनेस में झूठ चलता है। फिर वो सफेद झूठ, काले झूठ नहीं। आपको विश्वास करना होगा कि अगर आप सच बोलेंगे तो आप ज्यादा अच्छे खराई से, जो झूठ बोलता है उसको झूठ को दबाने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करके सच बोलता है, परमेश्वर अद्भुत रूप से उसको बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। अनकॉम्प्रोमाइज लाइफ, ये इन चारों की लाइफ इतनी पावरफुल है कि आप इसको पढ़ोगे तो ये लाइफ सबको चैलेंज करती है। इन इनमें सामर्थ्य था अपने विश्वास के अनुसार जीने का। अब हम जिस स्टोरी को पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से पहले समझिए। पुराने जमाने में लोग अपने वचन को पूरा करने के लिए जान भी देने के लिए तैयार रहते थे। मींस डेथ इतना बड़ा इशू नहीं था। जैसे एक जवान है जो सैनिक है, उसके लिए जब वो पेपर में साइन करता है उसके लिए डेथ कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना।
उसके लिए तो वीरता की बात है, वो जंग में मरेगा। तो ऐसे भी जंग में जो अपने आप को बचाना चाहता है वो कायर है, वो लड़ने के लायक नहीं है। आप किसी भी ऐसे सैनिक को मिले जो जंग में अपने आप को बचाना चाहेगा, वो क्या है, वो अपने देश को भी हरवा देगा, क्योंकि अपने प्राण बचाने के लिए वो सरेंडर कर देगा, वो कॉम्प्रोमाइज कर देगा, वो घुटने टेक देगा। ऐसा कौन सा सैनिक है? ऐसा कोई सैनिक नहीं होता। अब पुराने जमाने की बात करें, लोग अपने वचन को पूरा करने के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। और वो क्या कहावत थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लोग वादा अगर देते थे तो उस वादे को पूरा करने के लिए कुछ भी कर देते थे, राइट। हमारे परमेश्वर वादे के परमेश्वर है, कवनेंट वाले गॉड है, वाचा के परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने कोई वादा किया है तो स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता। आमेन। और आप सुन रहे, सुनिए, आप वाचा वाले व्यक्ति बनिए, आप वैल्यू करिए वर्ड्स की, आप वैल्यू करिए प्रोमिसेस की, कि आपने किसी को वादा किया आप उसको पूरा करिए। क्यों? जब आप करोगे आप परमेश्वर जैसे बनने लग जाओगे, क्योंकि जितने वाचा के लोग हैं, हम लोग वाचा के लोग हैं, हम लोग को वर्ड्स की, वाचा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो आप ऐसे प्रोमिसेस जो आप पूरे नहीं कर पाएंगे देंगे नहीं, और जो आप देंगे आप उसको पूरा करेंगे। नहीं तो माइंड में बॉन्डेज है, नहीं दुनिया में तो ये चलता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। नहीं, आप देखेंगे तीन लोग जो आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार थे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज ये डैनियल की पुस्तक खाली डैनियल के बारे में नहीं है, ये डैनियल के तीन दोस्तों के बारे में भी है। ये सेलिब्रेटेड लाइव्स है, ये ऐसी लाइव्स है जो जनरेशन को इंस्पायर करती है। और देखिए, अगर आप इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय के पद संख्या 34 पढ़ेंगे, तो जब इसमें विश्वास की परिभाषा दी तो क्या है, कुछ लोगों ने आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता से बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। तो इसमें जो पहली लाइन लिखी है, आग की ज्वाला को ठंडा किया, ये तीन डैनियल के दोस्तों के लिए लिखी हुई है। इनके विश्वास से ये आग की भट्टी में भी नहीं जले। ए, आज कोई है तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन तुम उस प्रॉब्लम में भी बचाए रहोगे। क्यों? क्योंकि भट्टी में एक चौथा आदमी तुम्हारे साथ है जो मानव पुत्र के समान है। अब इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे तो इनको तो कुछ होता नहीं है। अगर हम लोग को मालूम हो स्टोरी कैसे एंड होती है तो हम लोग के बहुत से कदम बदल जाएंगे, राइट। बट फेथ क्या है? फेथ विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है, जिसको आप देखते नहीं, आप आंखों से नहीं देख रहे, लेकिन आपने विश्वास की आंखों से देखा। वो एक कैपेसिटी उत्पन्न करता है परमेश्वर पर ट्रस्ट करने के लिए। तो ये जो लाइफ सेलिब्रेटेड है, ये किसकी लाइफ है? ये स्ट्रांग लोग है। आदमी जितने भी वीक परिस्थिति में रहे, आदमी का करेक्टर, उसके लाइफ के कन्विक्शंस उसको स्ट्रांग बनाते हैं। जो भी लाइफ सेलिब्रेट होती है वो स्ट्रांग लाइफ्स होती है। लाइफ में देखिए, बाहर आगे कोई कुछ भी लाइफ में कर रहा है, वो कौन है? जिनके स्ट्रांग कन्विक्शन है, जो भी मत है वो अपने माइंड में, उनका माइंड कन्विंस्ड है, किसी भी बात को लेके उनका माइंड कन्विंस्ड है। वीक लोगों की दुनिया नहीं है। कोई भी लाइफ ऐसी जो जो कमजोर व्यक्ति है उसकी लाइफ कभी भी सेलिब्रेटेड नहीं है। कमजोर व्यक्ति लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं करता। कमजोर व्यक्ति किसी चीज के लिए नहीं खड़ा है, और जो किसी चीज के लिए नहीं खड़ा है वो किसी भी चीज में गिर जाएगा। कुछ लोग इतना कमजोर है कि अपने मत भी नहीं रख सकते, सिर्फ हां बोलना जानते हैं, यस यस यस। कुछ लोग डोर मैट है, कोई भी आके कुचल के अपने पांव साफ करके चला जाता है। कुछ लोग पपेट है, दूसरों के इशारों पे चलते हैं। कुछ लोग अपने रंग बदल देते हैं गिरगिट की तरह। कुछ लोग को सिर्फ चाहिए लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं उसके अनुसार वो जीना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में कोई क्लियर कट गोल्स नहीं है, कोई भी गोल नहीं है लाइफ में। तो आज सवाल है कि ये तीन व्यक्ति, ये एक दुनिया के सबसे सामर्थी देश के राजा के सामने खड़े, और राजा ने सिर्फ इतना बोला, तुम जब वो बाजे की आवाज आती है तुम दंडवत कर लो उस मूर्ति के आगे जो मैंने बनाई है, सब ठीक है। अरे राजा को क्या बोलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इनको मालूम है इनकी सजा क्या है। वो समय नहीं है जहां कोर्ट में केस जाएगा, फिर पेशी होती रहेगी, फिर वकील को पैसा देके लंबा केस करेंगे, और फिर मौत की सजा हो भी गई तो फिर मर्सी पिटीशन डाल देंगे। ये वो समय नहीं है। राजा के मुंह से निकली हुई बात फिर वापस नहीं होती। और ये उस राजा के सामने खड़े हैं और राजा बोल रहा है सिर्फ दंडवत कर लो। एक कहानी है स्मायना के बिशप की। स्मायना बोल के एक जगह है, बाइबल में मेंशन भी है, सात कलीसियाओं में से एक कलीसिया जो प्रकाशित हुआ, वहां एक कलीसिया के बिशप की।
जो शायद 86 साल का था, और रोमी सैनिक उसको पकड़ने आते हैं, पकड़ के ले जाएंगे। वो एरिना होता था जहां विश्वासियों को शेरों के सामने डाल दिया जाता था, और पूरे परिवार परिवार खुशी खुशी मर जाते थे शेरों के आगे। यहां तक उसमें एक ऐसी नौबत आई कि एक बार जब शेरों के सामने किसी को डाला गया तो वो शेर को बुला रहा था, तो ये देख के लोग गुस्सा हो गए। अब ये उस समय रोमी सरकार के बाद, रोमन एम्पायर की बात करो, उस समय ये लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए था क्रिश्चियंस को शेरों के मुंह में डालना, भूखे शेरों के मुंह में डालना। तो फिर लोग चिल्लाने लगे उनको वो स्मायना का बिशप चाहिए। तो ये रोमन सैनिक गए, और अब वो थोड़ा रिस्पेक्टेड आदमी था, 86 साल का था, रिस्पेक्टेड था। तो जब उसको लेके आ रहे, रास्ते पर समझा रहे थे कि आप क्या है, आप धूप जला देना और दंडवत कर लेना राजा के आगे। तो बिशप बोलता, 86 साल का हूं, 86 साल में मेरे प्रभु ने मुझे कभी नहीं त्यागा, मैं उसको कैसे त्याग दूं। और उसको वो ले जाते, और उसको जब ले जाते हैं तो उसको देख के लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं इसको जलाओ। तो उसके लिए वो शैया तैयार करते हैं, वो चिता तैयार करते हैं, वो लकड़ी करके उसको बिठा देते हैं। तो उसको बांधने जाते हैं, बोलते हैं मेरे को बांधने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर मुझे आग की लपटों पर भी सहने की शक्ति देगा। और उसको जला देते हैं, वो जलता नहीं है, ये सच्ची कहानी है, जलता नहीं है वो। जो मरने के लिए तैयार नहीं, रोज मरता है वो। जो मरने से डरता है, दिन में 10 बार बिकता है वो। प्रभु यीशु ने कहा, जो अपना जीवन बचाने जाएगा वो उसको खो देगा। क्या आज हम लोग जब इस वचन को सुन रहे अपना मन बनाएंगे कि कुछ नहीं तो हम लाइफ वहां से शुरुआत करेंगे, हम एटलीस्ट अपने कन्विक्शन में स्ट्रांग हो। आपके क्या कन्विक्शंस है? जब किसी आदमी के कन्विक्शन स्ट्रांग होते हैं, वो हार नहीं मानता है, वो सरेंडर नहीं करता है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो कन्विक्शन क्या है? मन किसी चीज को लेके बना हुआ है, मतलब कोई ओपिनियन जो बहुत स्ट्रांग है। आप जानते हैं भारत में, खासकर पहले भारत की बात कर रहा हूं, क्रिश्चियन होना इस समय बहुत शर्म की बात है, आपको मालूम है ना। फिर बेइज्जती, अलग किया जाना, समाज से अलग कर दिया जाना, बेइज्जती। अभी तो इंडिया में हो रहा सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करना जो भी हिंदू नहीं है। इसमें आपको क्या, आप जानते हैं बहुत से लोग विश्वास छोड़ के जाएंगे। आप अभी देखिए, मैंने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की है, बहुत से लोग आप देखे जिनको आप जानते हो विश्वास छोड़ के जाएंगे। कुछ हमारे बीच में जो चले गए, अभी बाबाओं के चक्कर में पड़ गए क्योंकि उनके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कन्विक्शन क्या? एक स्ट्रांग आस्था, कोई ऐसा मत जो प्रबल हो, कोई ऐसी आस्था जो फिक्स्ड है, फर्म है। हम उस बारे में अपने ओपिनियन बदल नहीं सकते। एक आपके घर वाले क्या बोलते हैं, आप पे जादू तुमने किया, राइट? तो बोलते हैं ना कि तुम पे कोई जादू हुआ है। क्यों? वो देखते हैं कि हमारा अपना बच्चा, हमारे अपने घर के लोग प्रभु यीशु को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता इनके लिए। ये छोड़ना ही नहीं चाहते, ये कुछ भी छोड़ देंगे, प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। बोले इन पे क्या समा गया है, इनके ऊपर क्या जादू हो गया है, ये इस चीज के बारे में बिल्कुल श्योर है। देखिए, जब परसिक्यूशन आता है क्या होता है, हमारे अपने मत क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि इजी समय में तो आदमी कुछ भी कर सकता है, जब डिफिकल्ट हो जाती चीजें तब मालूम चल जाता है ना आदमी किस चीज के लिए खड़ा है। परमेश्वर इन सताओं को भी इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों को, उन झूठे लोगों से अलग करने जो विश्वासी नहीं है। तो जिसके कन्विक्शन स्ट्रांग होते हैं, जिसका मत किसी चीज के बारे में बनाया होता है, वो विशी वैशी नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाए तो हम वैसे हो जाए वैसे, नहीं नहीं नहीं, वो श्योर है उस बारे में जो बिलीव करते हैं। वो किसी भी मसले के बारे में बैठकर बहुत सोच चुके हैं, गहरा मनन कर चुके हैं। आदमी ऐसे लाइफ में स्ट्रांग नहीं होता ना, हम में से कुछ लोगों के पास फुर्सत नहीं है। जब मौत आएगी पूछेगी, एक्सक्यूज मी, हेलो, टाइम है आपके पास मरने का कि कल आऊं? ऐसे ऐसे आएगी मौत, बताओ। कोई जा रहा है बहुत स्पीड से, गाड़ी आ रही, एक सेकंड के लिए रुक जाएगी, फिर गाड़ी की आत्मा पूछेगी, भैया तैयार हो? ऐसा नहीं होगा, मौत फुर्सत से नहीं आएगी। इसलिए जिनके पास जीवन में इंपॉर्टेंट चीजें, जो चीजें लाइफ में वैल्यू होल्ड करती है, उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है, वो लाइफ में किसी चीज के बारे में भी निश्चित नहीं होगा। अब जैसे कई बार आप जॉब में कोई कॉम्प्रोमाइज अगर नहीं करते गलती से, आपको 24 घंटे का जब समय मिलता है कि 24 घंटे में डिसाइड कर लो नहीं तो जॉब छोड़ दो, 24 घंटे में क्या करते हो? आपको 24 घंटे कोई पार्टी फिर याद नहीं आएगी, आप बैठ के सोचोगे, आप पार्क में बैठ के सोचोगे, घर में बैठ के सोचोगे, आप कॉस्ट काउंट करोगे। और फिर एक बार मन बना लिया तो जॉब क्या चीज है? जो मन बना लिया वेट नहीं कर पाएगा कब मेरे को निकालेंगे।
क्योंकि कॉस्ट काउंट कर लिया है। तो जिसके पास भी जीवन में सोचने का समय नहीं है उसकी लाइफ कैसे होगी? जैसे चल रही है वैसे चल रही है। मीटिंग कैसे होती है? दो तीन लोग बैठते रहे, कभी अपने साथ बैठे हो? मैं बोलता हूं आज एक तरीका बताऊंगा, प्रैक्टिकल तरीका है। जो भी चीज लाइफ में बॉदर कर रही है, कागज और पेन लीजिए, उसको लिखिए, ओके, अपने साथ ही बैठिए और जो डिसाइड कर रहे उसको नीचे लिखिए, आप उसका पावर देखिए। जो चीज लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जो तंग कर रही है, जिस विषय के बारे में डिसीजन लेना है, जो सोचना है, कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ अपने आप के साथ टाइम चाहिए। आप पूछ सकते हैं ना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? आप पांच मिनट, जैसे आपसे एक पाप हो गया, पाप किसी से होने के बाद वो पाप इतना अट्रैक्टिव लगता है कि उससे निकलना मुश्किल होता है और आदमी अपनी पहचान खो देता है, होता है ऐसे? आप बैठो, आप लिखो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? फिर आप पांच मिनट बैठ के सोचोगे, आपको रियलाइज होगा मैं ऐसा नहीं हूं। फिर आप डिसाइड करो, अपने डिसीजन को लिखो, फिर आप लिखो कि आप ठीक है ये इस पाथ पे चलने के लिए और मेरे को क्या कॉस्ट देना होगा, आप लिखो, आप उसको डिसाइड करो, आप देखो आप उसको कर पाओगे। क्यों? ये सलाह दूसरों से नहीं ली जाती, ये मीटिंग दूसरों के साथ नहीं होती, ये अपने साथ ही बैठ के होती है। और जिन लोगों के पास लाइफ में फुर्सत नहीं है उनकी लाइफ कहीं आगे नहीं बढ़ रही। प्रेयर का टाइम इसीलिए पावरफुल टाइम है। प्रेयर का टाइम खाली सब समय बोलने का टाइम नहीं होता, प्रेयर का टाइम सुनने का भी टाइम होता है, प्रेयर का टाइम वचन लेके वचन पे मनन करने का भी होता है, और प्रेयर का टाइम चुपचाप, मैं जितने बातें बोलता हूं ना इसमें से 99% प्रेयर टाइम में डिसाइडेड होती है। प्रेयर टाइम में कितनी चीजों का मन बन जाता है। हम में से बहुत से लोग किसी संघर्ष में और हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हमने अपना ही मन नहीं बनाया। तो मैंने तो आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बनाया, एक सिर्फ एक अपनी जो 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 डायरी पेन रखते हैं अपने साथ, सिर्फ उसी में लिखिए कब तक, आखिर ऐसा कब तक चलेगा। आप अपने आप से पूछिए ना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? कभी आपने अपने आप से बात की है? नहीं, अपने आप से बात करना भी जरूरी है। मैं पहले अपने आप से बात करता हूं, बाद में प्रभु से करता हूं। पूछिए क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर भी आपकी चार पांच आवाज हो सकती है। जब आप प्रभु के सामने जाए तो एक आवाज होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या मांगना है। इसलिए दूषित व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। अब आप इस पंक्ति को समझ रहे हैं, एक दूषित व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। डबल माइंडेड आदमी जितना प्रेयर कर लो उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले प्रभु से प्रार्थना करने से पहले पहले अपने आप से बात कर लो, अपने आप को समझ लो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है। तो जो लोग कन्विक्शंस वाले लोग हैं, पॉल पूरा कन्विंस था और यीशु का पूरा दुश्मन था, वो पूरा कन्विंस था ये गलत है। जब वो विश्वासी बनता है वो पूरा कन्विंस था प्रभु यीशु छोड़कर और कोई प्रभु नहीं है। वहां वो जीवन ले रहा था, यहां उसने अपना जीवन दे दिया। लाइफ वीक लोगों की नहीं है, लाइफ उनकी है जिनके कन्विक्शन स्ट्रांग है, जिनके मतों में, जिनके जिनके जो सोच है, बिलीफ है, उनमें उनको जो कोर बिलीफ है लाइफ के, उनमें उनको भटकाया नहीं जा सकता। एक तो विश्वास के होते हैं, हम क्या विश्वास करते हैं। दूसरा कन्विक्शन वो भी होता है, पवित्र आत्मा जो हमको अगुवाई करता है। बहुत बार आप प्रेयर करोगे, आपके पास वर्ड नहीं होगा लेकिन एक डायरेक्शन होगा, आपको मालूम है आपको इसको लेना है। दुनिया की कोई ताकत उसको आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आपने आत्मा में इतनी प्रार्थना की है और आत्मा के द्वारा आपकी ऐसी अगुवाई है कि आप कन्विंस अपने हार्ट में ये सही डायरेक्शन है। कई बार आंसर इतना इजी भी नहीं होता, यहां जाए या यहां जाए, इतना इजी नहीं होता आंसर। कई बार जवाब हाँ या ना में नहीं आता, लेकिन कदमों को मालूम है किस जगह जाना है, हमने अपना मन बना लिया है। कुछ लोग प्रेफरेंस से जीतते हैं, कुछ लोग कन्विक्शन से जीतते हैं। जो प्रेफरेंस से जीते हैं वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ते, वो जैसी परिस्थिति अपने आप को वैसे ढाल लेते हैं। लेकिन विश्वासियों को जिन्होंने प्रभु यीशु पर ईमान लाया उनको कन्विक्शन से जीना चाहिए। कन्विक्शन क्या होती है? सॉलिड चीज होती है, इमूवेबल, मतलब अपने विश्वास में हम हिलाए नहीं जा सकते। ये वो कॉन्फिडेंस है परमेश्वर पर और उसके वचन पर कि हम जानते हैं ये ट्रुथ नहीं, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है और हमारा स्टैंड इस बारे में नहीं बदल सकता। अगर सत्य के लिए जान नहीं दे सकते तो झूठ जान ले लेगा। जब आदमी अपने मन बनाता है किसी बात के लिए तो फिर वो तैयार भी रहता है इस बात के अनुसार जीने के लिए, मेरे को क्या कॉस्ट देना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनिए ना, हम सब कन्विंस है ना हत्या करना पाप है, राइट? कितना बड़ा पाप है? मैंने लास्ट टाइम पूछा था आपसे, फिर से पूछता हूं। ऑर्डर ऑर्डर दफा 302 के आधार पर इस व्यक्ति को सजाए मौत दी जाती है। आप में से कितने लोग मांगते हैं अगर सजाए मौत मिलती है किसी के मर्डर के लिए, वो गलत है? सही है,
क्योंकि उत्पत्ति में लिखा है, प्रभु ने बोला है जान के बदले जान। तो कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? सबसे ऊंची पनिशमेंट होती है कि परमेश्वर के बनाए किसी मूरत को किसी ने मारा है तो उसके बदले उसकी जान जानी चाहिए। आप बोलेंगे लेकिन किसी की जान लेना नहीं, परमेश्वर गवर्नमेंट क्यों रखे हैं? अब गवर्नमेंट अगर करप्ट है उस बात को छोड़ दीजिए, बट परमेश्वर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी परमेश्वर का एक सोर्स है अपना अपना जजमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए। किसी सत्य को जानना और कन्विंस्ड होना, अपने मन में इतना फिक्स्ड होना कि ये वचन का सत्य अब मेरे जीवन को शेप देगा, हम इस बारे में अपने मत को आप बदल नहीं सकते। उसके लिए आदमी अपनी जान भी दे सकता है। कई लोग प्रॉब्लम में इसलिए नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, कई लोग प्रॉब्लम में इसलिए कि अरे भाई इतना डीट क्यों हो, लोग तो बोलेंगे ना। क्रिश्चियन लाइफ वैसे ही है, आप सही जाओगे ना आप पे प्रेशर रहेगा गलत होने के लिए, प्रेशर रहेगा अपने ये कन्विक्शन छोड़ो। कुछ लोग बोलेंगे रिलैक्स हो जाओ ना, इतना नैरो माइंडेड क्यों बन रहे लोग आजकल, इसको नैरो माइंडेड बोलते हैं। कन्विक्शन का मतलब होता है कि हम अपने जो कोर बिलीफ है, अब भाषाओं के बारे में लोगों के अलग अलग कन्विक्शन हो सकते, खाने के बारे में अलग अलग मत हो सकते हैं, कोई सुन रहे, लेकिन जो कोर बिलीफ है विश्वास के बारे में, परमेश्वर के पुत्र के बारे में, उद्धार के बारे में, ये नॉन नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल है। कि मतलब वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा माइंड इतना कन्विंस्ड है कि हमको मालूम हम क्या बिलीव करते हैं और हमको मालूम हमको कैसे जीना है। तो कन्विक्शन क्या है? वो एक कॉन्फिडेंस है। जब प्रिंसिपल्स क्लियर होते हैं, तो जिसके प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है ना, तो कई बार हमको क्या करना है, सिर्फ अपने साथ बैठ के पूछना है ना, हम इस बात पे बिलीव करते कि नहीं करते, हम इस फेथ के लिए ये कॉस्ट देने के लिए तैयार है कि नहीं। तो ऐसे व्यक्ति सर्टन होते हैं, उनके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होता, उनको मालूम है ये गलत है, उनको मालूम है सही है, उनको मालूम है कौन सा रास्ता सही है। तो ये जो सामर्थ्य ये कब दिखता है? जब उसको दिखाने की जरूरत होती है। आमेन। ऐसे लोग उस प्रिंसिपल के लिए जहां भी हो खड़े होना सीखते हैं, और ये कन्विक्शन रिजल्ट है परमेश्वर के साथ रिश्ते का, ये फल है उस रिश्ते का। जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ता अपना स्ट्रांग करते हैं, उसका रिजल्ट होता है हमारा माइंड कुछ चीजों में कन्विंस्ड है, हमारी सही और गलत की परख सही हो जाती है, हमारी परख चेंज हो जाती है, हमको कुछ बातें मालूम चल जाती है कि बाद में जाके ये तकलीफ लाएंगी। आप ऐसे कितने लोगों को मैं पहले वार्निंग दे देता हूं, राइट? कैसे देता हूं? वो परख आती है कि ये चीज बाद में जाके उस फाउंडेशन से लड़ेगी जिसके लिए हम खड़े हो रहे हैं। तो परमेश्वर हमको कन्विक्शन क्यों देते हैं, हमारे मन को स्थिर क्यों चाहते हैं? ताकि हम एक अच्छा जीवन जिए, ताकि यही प्रिंसिपल्स, यही कन्विक्शन हम लोग की लाइफ को गाइड करे, ये हमको बचा के रखे ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सके। और हमारे कन्विक्शंस दिखाते हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे चूज करते हैं। अगर कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है तो चॉइसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। जितने स्ट्रांग कन्विक्शन है, चॉइस कई बार उतनी इजी हो जाती है। आदमी को मालूम है उसको किस रास्ते जाना है, आदमी को मालूम है सही क्या है, हम अपना पैसा कैसे खर्च करेंगे, कन्विक्शंस, दूसरों से रिश्ता कैसे रखेंगे, कन्विक्शंस, डिसीजंस कैसे लेंगे, कन्विक्शन, किस रास्ते में चलेंगे, कन्विक्शन। ये प्राइवेट चीज नहीं है, ये पब्लिक चीज है, क्योंकि वो कन्विक्शंस हम लोग की पब्लिक लाइफ को गाइड करेंगे, उन कन्विक्शंस के अनुसार लोग अपनी लाइफ जीने लगेंगे। तो जो परमेश्वर द्वारा कन्विक्शंस होते हैं, वो एक धर्मी जीवन और एक ऐसे जीवन को उत्पन्न करते हैं जो परमेश्वर के सामने सही है। आज कोई भी अपने जीवन में संघर्ष करते हुए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? उसके साथ प्रॉब्लम है कि उसके कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है। ये तीन जब राजा के सामने खड़े थे तो इनका आंसर कैसे आया? बहुत प्रॉम्प्टली आ गया। इनका जो आंसर है राजा के सामने, पोलाइटली, बिल्कुल स्ट्रेट, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के ये जब आंसर देते, क्या दिखाता है? इनको मालूम था क्या करना है, इनको मालूम था ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, इनको मालूम था कॉम्प्रोमाइज की कोई जगह नहीं है, इनके अपने माइंड में ये मैटर सेटल्ड था। अब इन्होंने कोई उसकी मूर्ति की बुराई नहीं की, दूसरे देवी देवताओं की बुराई नहीं की, कोई उल्टी सीधी बात नहीं बोली, उन्होंने सिर्फ इतना बोला हम इन मूर्तियों की आराधना नहीं कर सकते। ना उन्होंने बोला आपकी पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, ना उन्होंने भीख मांगी, उन्होंने बोला हम इन मूर्तियों के सामने दंडवत नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी तरफ देखा, ये हमारी ड्यूटी है,
अपने माइंड में रिजॉल्व थे और उन्होंने उसका कॉन्सिक्वेंसेस परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया। नहीं समझे? कई लोग प्रेयर करते हैं ना, प्रभु आप बचा लेंगे तो आप प्रभु है, ये बोलते आप बचाया ना बचाए आप ही प्रभु है। आमेन। बोलो परमेश्वर हमको इससे निकाल सकते, निकाल भी देंगे, नहीं भी निकालेंगे तो भी हम उन मूर्तियों के आगे दंडवत नहीं करेंगे। मन बना हुआ था। जब भी हम और आप कहीं भी संघर्ष कर रहे हैं, क्यों संघर्ष कर रहे हैं? मन नहीं बना हुआ। मिसा बोले मन नहीं बना हुआ। बोलिए मन नहीं बना हुआ। मन बनाना है। और मन कैसे बनता है? मैंने कई बार बताया, बैठो और सोचो। लाइफ में कोई भी एग्जांपल, आपको क्या करना है? आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं इसको करना चाहता हूं, मैं क्यों करना चाहता हूं, ये करने के लिए क्या कॉस्ट देना पड़ेगा। जब आप अपने माइंड में किसी चीज के बारे में सर्टेन नहीं होंगे, लाइफ कैसे सर्टेन होगी? अच्छा, मैंने पिछले हफ्ते पूछा था, इस पूछते मैं ढीठ हूं क्या मैं ढीठ हूं? अरे भाई इधर देखिए, क्या मैं ढीठ हूं? क्यों हूं? ढीठ कौन होता है? जो अपने विचार नहीं बदलता। अगर मैं ढीठ नहीं हूं तो मैं ये कर पाऊंगा? तो इसमें क्या लगेगा, क्या कॉस्ट देना, ये मैंने पहले ही सोचा हुआ है। कुछ सुनना है मेरी बात को? अगर मेरा ही मन नहीं बना होगा तो मेरी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी? अगर हम अपने माइंड में कन्विंस नहीं है, तो अगर मेरे प्रिंसिपल स्ट्रांग नहीं है, अगर मेरे कन्विक्शन क्लियर नहीं है, मेरा जो बिलीफ है वही अगर स्ट्रांग नहीं है, तो हम तो कभी इधर कभी उधर। आज जिनकी भी लाइफ स्टेबल नहीं है, रीजन क्या है? आपने अपने साथ समय नहीं बिताया। और जो भी आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करिए। आपको यही करना है, आपको अपने साथ बैठना, लीजिए पेन और पेपर, बैठिए अपने साथ और डिसाइड करिए कि लाइफ ऐसे ही चलेगी क्या। और जो आप फिर डिसाइड करेंगे, आप उसका पावर देखेंगे। डिसीजन का पावर है। इसलिए परमेश्वर का विशेष जो क्रोध दिखता है याकूब की पुस्तक में, जहां वो दूषिते मन वालों के लिए बोलते हैं कि डबल माइंडेड आदमी को क्या मिलता है। डबल माइंडेड आदमी को प्रेयर के आंसर नहीं मिलते हैं। वो समुद्र की लहरों के समान है। और समुद्र की लहर कितने लोगों ने देखी? एंडलेस है, आती जाती है, वो हवा से इधर बहती रहती है, बहती रहती है। तो ऐसे लोग किसी और चीज से बह रहे हैं, ये अपने वैल्यू सिस्टम से नहीं आगे बढ़ रहे। स्ट्रॉन्ग लोग अपने बिलीफ सिस्टम से चलते हैं। आमेन। स्ट्रॉन्ग लोग लाइफ में, स्ट्रॉन्ग लोग अपने बिलीफ सिस्टम से चलते हैं। ये इनके लिए कॉन्शियंस का मैटर है, उनके अंतर मन का सवाल है। आमेन। उनके मन बने हुए हैं, तो जो रिजल्ट होता है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। रास्ते बहुत से, लेकिन हमारे रास्ते नहीं जा सकते। हम सब कुछ कर सकते लेकिन हम सब कुछ करेंगे ही नहीं। हम सब जगह जा सकते हम सब जगह जाएंगे ही नहीं। अब कितनी चीजें हैं मेरे माइंड में डिसाइडेड, हम कर ही नहीं सकते। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जिनके पास कोई कन्विक्शन है। एक बिलीवर भी कहीं अपने लाइफ में आगे नहीं जा रहा जब तक वो अपने जो मुख्य मूल जो चीजें हैं उनको लेके, अब उसका माइंड एकदम उसके मन में वो निश्चित नहीं है। तो विश्वास क्या है? अगर आपके पॉकेट में आज पैसे नहीं है और आप आगे बढ़ रहे हो, तो बाइबल में वर्ड बीइंग फुली कन्विंस्ड, पूर्ण रूप से निश्चित हो। हम भूखे मर नहीं सकते, अब हमको मालूम है। ये क्या फेथ है? और ये फेथ फिर मेरी लाइफ में दिखेगा। ये कन्विक्शंस मेरी लाइफ को गाइड करेंगे कि हम चिंता में नहीं जिएंगे। फिर हमको जो काम करना है विश्वास से आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर अद्भुत रूप से हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। आमेन। दुनिया को ऐसे लोग की जरूरत है जो कन्विंस्ड है। आप उनको देखिए, वो हिलते नहीं है, और वो अपने सोच के लिए, वो अपने जो विचार के लिए, उसके लिए सफर करने के लिए तैयार हैं। ये इमोशनल फ्लक्चुएशंस उनके फेथ में नहीं है। उनको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है इसके लिए। कई बार हम लोग को उत्साहित होने की जरूरत है ना, कर लो, आ जाओ, हिस्सा बन जाओ। लेकिन जिनके बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, उनको अलग से कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। उनका माइंड ऑलरेडी सेट है किन चीजों को लेके, और यही मदद करता है उनको स्थिर होके, खड़ा होके अनसर्टेन टाइम्स और चीजों का सामना करने के लिए। यही मदद करता है प्रलोभन पर जय पाने के लिए और बिना कॉम्प्रोमाइज के जीने के लिए।
यही चीज उनके फेथ को प्रूव करती है और उनके फेथ को रिफाइन करती है। तो कन्विक्शन किस में दिखता है? जैसे हम जीते उसमें दिखता है। जैसे हम जीते हैं उसमें तो कुछ आदमी जैसे जी रहा दिखेगा कि वो क्या क्या चीज पर विश्वास करता है, उसका वैल्यू सिस्टम कैसा है, उसको दिखाता है कि अब हम बच्चे नहीं है। क्योंकि विश्वास में भी जो बच्चा होता है ना, वो कभी ऐसे पलटता है, कभी वैसे पलटता है, कभी इन शिक्षाओं से बह जाता है, कभी उस इमोशन से बह जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उसको कोई चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ बना देता है। अब हम जो कन्विंस्ड लोग है, कन्विक्शन वाले लोग है, वो मैच्योर लोग होते हैं। आमेन। तो जो बिना कन्विक्शन के, नंबर वन वो क्या है? इनडिसाइसिव पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसने निश्चय नहीं लिया। इनके पास, इनको बड़ा डिफिकल्टी होती है डिसीजन लेने में। और मैं बताना चाहता हूं, यहां जो भी व्यक्ति है जो डिसाइड नहीं कर सकता, इसकी लाइफ में एक चीज कॉमन है, अनस्टेबल लाइफ है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो जिसकी भी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, उसका प्रॉब्लम क्या है? वो डिसीजंस नहीं ले पाता। अगर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, देखो उसके जॉब्स, जॉब में वो स्टेबल नहीं है, रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं है। तो कन्विक्शंस जहाज का जो एंकर है ना, उसकी तरह लाइफ में काम करते हैं। नंबर टू, वो व्यक्ति इमेच्योर है, वो मैच्योर नहीं है, वो बच्चा है अभी, उसकी जड़ें गहरी नहीं है, रूट्स डीप नहीं है, उसका जो प्रभु के साथ रिश्ता है उसमें डेप्थ नहीं है। आपको मालूम है, लाइफ में कोई भी अच्छा रिश्ता वो जड़ों से बनता है। अगर जड़ें गहरी होती है, रिश्ते बहुत स्ट्रांग होते हैं। जहां भी जिस रिश्ते में खाली इमोशंस या फिजिकल रिश्ते हैं, वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होते। बट जिन रिश्तों की जड़ें गहरी होती है, बहुत ही स्ट्रांग रिश्ते जिंदगी भर निभाना बड़ा आसान हो जाता है। क्या ऐसे रिश्ते आपने देखे जहां बिना बोले लोग बात समझ जाए एक दूसरे की? वो होते हैं डीप रिलेशनशिप्स। तो इमैच्योरिटी का साइन क्या है? कि ऐसा व्यक्ति के कन्विक्शंस नहीं। क्यों? इसकी लाइफ में डेप्थ नहीं है। तो जिसकी डेप्थ नहीं होगी, वो कभी भी पलट सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, ये बार बार नई शुरुआत करेगा। क्यों? किसी एक चीज के लिए टिक कर, प्राइस देकर, पेशेंटली कैसे टिका जाता है, इसको नहीं मालूम। नंबर तीन, ये बहुत वनरेबल है, मतलब ये सिक्योर्ड नहीं है, ये कभी भी भरमाए जा सकते हैं, इनको बहलाया फुसलाया जा सकता है। ये किसी भी एक चीज पे ठीक से विश्वास नहीं करते और किसी भी एक चीज के लिए खड़े नहीं है। चौथी बात, जिनके कन्विक्शंस नहीं होते वो पाखंडी होते हैं। उनको सिर्फ ये होता है कि बाहर से लोग कैसे हमको परसीव कर रहे हैं। इनको हमेशा रहता है कि बाहर से हमको कैसे देखा जा रहा है, ये अंदर को डेवलप नहीं करते। क्योंकि कोई भी पाखंडी है, उसको क्या चाहिए? उसको कब्र दे दो, उसको भी व्हाइट वॉश कर देगा वो, कि कब्र देखने में सुंदर लगनी चाहिए, लेकिन कब्र क्या है? अंदर से मरी हुई है, अंदर से उसमें शव डाला हुआ है। तो पाखंडी लोग कौन है? जिनका खाली बाहर का वो है। हम दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे हमको क्या बोलेंगे? इनके अंदर पैशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर से चाहत नहीं है। अरे जो भी करते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बाहर से लोग क्या सोचेंगे उसके लिए। तो जो कन्विक्शन होता है उस, वो कौन है? ये वो लोग है जिनके पास एक योजना है, पर्पस है। आमेन। इनको मालूम है ये कहां जा रहे हैं, इनको मालूम है वहां जाके इनको क्या मिलेगा, ये एक डेफिनेट पाथ पे चल रहे हैं। ये कल्चर के हिसाब से नहीं जी रहे, परंतु परमेश्वर के प्रिंसिपल्स के हिसाब से जी रहे हैं। आमेन। ये अपने माइंड में फिक्स्ड है, इनके पास पर्पस है। दूसरा, इनके पास परमेश्वर के प्रति विश्वास है, और यही विश्वास मदद करता है इन कन्विक्शंस को जीने के लिए बिना कॉम्प्रोमाइज के। इनके पास करेज है, सामर्थ है, हौसला है वो करने का जो सही है। हालेलुया। ये कमजोर लोग नहीं है, ये दिखते कमजोर है, लेकिन अपने डिसीजंस के कारण, अपने वैल्यू सिस्टम के कारण ये बहुत स्ट्रांग पीपल होते हैं। आमेन। और चौथी बात, ये आगे देख सकते हैं, ये फ्यूचर की ओर देख सकते हैं, क्योंकि इनको मालूम है किस तरफ जा रहे हैं। क्या आपको मालूम है आप कहां जा रहे हैं? क्या आप अपने प्रिंसिपल्स में स्ट्रांग है? क्या आपके कन्विक्शंस क्लियर है? क्या आप अपने, आपने अपना मन बनाया? आज जब हम लोग इस मैसेज को सुन रहे, देखिए अभी तो मैंने इन तीनों व्यक्तियों की हमने चर्चा नहीं की आज, तभी तो आज इनके पीछे जो पावर काम कर रहा है, इनके अंदर जो पावर काम कर रहा है उसकी बात की। वो पावर क्या था? कन्विक्शन का पावर। कि तीन लोग राजा के सामने खड़े होके क्या बोल रहे हैं, हम उन मूर्तियों के आगे दंडवत नहीं करेंगे, और हमारा परमेश्वर आग की बट्टी से बचा सकता है, उसमें शक्ति है, लेकिन वो नहीं भी बचाए तो हम इन मूर्तियों के आगे दंडवत नहीं करेंगे। उनको उनकी सजा मालूम थी, इसलिए प्रभु इसे बोलते, जो अपने जीवन को बचाना चाहता है वो उसको खो देता है।
और जो उसको खो देता है वो अपने जीवन को बचा लेता है। क्या आज इस सर्विस में हम डिसाइड करेंगे कि लाइफ में इन डिसीजन में नहीं जीना, जो भी हमारे लाइफ का वैल्यू सिस्टम है पहले पता तो कर ले हम क्या चीज पे विश्वास करते हैं, ये रास्ता सही है कि नहीं, इसमें जाना है कि नहीं। आप दो कदम चलोगे फिर आप मुड़ जाओगे। और कितने लोगों की लाइफ का पैटर्न ही यही है, कुछ चीज नहीं कर पाए, कोई काम ठीक से नहीं कर पाए, किसी जगह सक्सेसफुल नहीं हुए, किसी रिश्ते को कायम नहीं रख सके, विश्वास में भी डगमगाते रहे। अगर ये वो जीवन है, ये आज बदल सकता है। हालेलुया। अगर देखिए मैंने एक प्रोफाइल दी है, अगर वो आपकी प्रोफाइल आज चेंज हो सकती है, अगर वो आपकी प्रोफाइल है वो आज चेंज हो सकती है। आज अपने आप से पूछते हैं ना, मैं सबका हूं लेकिन मैं किसी का नहीं हूं। ऐसे भी लोग हैं ना, आप सबके हो लेकिन किसी के नहीं हो, किसी के सगे नहीं हो, आप किसी एक रास्ते पे नहीं चल रहे, आपका मन किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं है, आपके माइंड में कोई भी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आपने कुछ भी चालू करके खत्म नहीं किया, आपने कोई भी इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में बनाई नहीं। और इंपॉर्टेंट चीज रिश्ते भी होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज लाइफ के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज फेथ की लाइफ होती है, आपने कुछ चालू किया बना के नहीं रखे। क्यों? जैखुन जैमुन तैखुन तैमुन, जहां जैसे देखो वहां वैसे बन जाओ। क्या हम लोग आज प्रार्थना करेंगे और प्रभु को बोलेंगे नहीं प्रभु हम डिसाइसिव लोग जैसे जीना चाहते हैं, हम हवा द्वारा चितराई गई लहरों के समान नहीं बनना चाहते परंतु अपने जीवन में प्रिंसिपल से चलना चाहते हैं। अब मैंने शुरू में एक ही चीज बताई जो आपको करनी है, अपने साथ बैठना है। किसके साथ बैठना है? आपके प्रार्थना जीवन में फर्क पड़ जाएगा। जब तक आपको नहीं मालूम आपको क्या चाहिए आपको कौन दे सकता है, जब आप ही को नहीं मालूम आपको क्या चाहिए आपको कौन दे सकता है। क्या आप अपनी लाइफ में वो कल्चर बनाएंगे कि प्रेयर टाइम के अलावा भी, एक तो प्रेयर टाइम खाली प्रेयर का नहीं होता, प्लीज प्रेयर टाइम एक, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं डिवोशन टाइम, ठीक है। प्रेयर टाइम में वचन भी पढ़ा जाता है और बैठ के वचन पे मनन भी किया जाता है। प्रेयर टाइम में प्रार्थना की जाती है और थोड़ा टाइम चुप होके परमेश्वर की उपस्थिति में भी बैठा जाता है। प्रेयर टाइम कंटेम्पलेशन का टाइम होता है, लाइफ के बारे में सोचने का टाइम होता है, इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं लाइफ के जो सेटल करने हैं वो परमेश्वर के प्रेजेंस में सेटल होते हैं। मैं चाहता हूं आज से हम लोग के प्रेयर टाइम का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो। रट के एक चीज बार बार बोलने से अच्छा आप एक एक करके सारे मुद्दों के बारे में सोच के किसी निष्कर्ष में भी आ सकते हो। आमेन। जो अनडिसाइडेड लाइफ है वो पावरलेस लाइफ है। डिसीजन में इतना पावर है किसी की भी लाइफ को रॉक सॉलिड कर सकता है। कमजोर लोग सामर्थी बन सकते हैं, क्यों? वो अपना मन बना चुके हैं। आमेन।